हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलोर मीरा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अचारी आलू बना के बताना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैं इतने आलू बॉईल करके रख लिया हूँ। ये बहुत ही इंस्टेंट और चटपटा अचार है जो कि तुरंत बन जाएगा और खाने में बहुत ही मजेदार। इस तरह मैं 10-15 आलू को छील के रख ली हूँ। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ और अचार हमेशा सरसों तेल में ही ज्यादा बनाना चाहिए। इसमें मैं सरसों तेल डाल रही हूँ 5-6 चम्मच। तेल गर्म हो गया है, इसमें खुशबू आने लगा कि तेल बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें सबसे पहले हींग का तड़का डालूंगी, उसके बाद कुछ लहसुन को मैं इस तरह काट ली हूँ और हरी मिर्च को डालूंगी। किस तरह तेल चटक रहा है, मैं इसमें आलू को डाल देती हूँ। आलू को मैं कुछ आलू को जो बड़े साइज के आलू है उसका दो टुकड़े चाहती हूँ। ऐसे जो बेबी पोटैटो मिलता है उसका बहुत ही अच्छा बनता है, छोटे छोटे आलू के ज्यादा अच्छे बनते हैं। मैं मसाला डालना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैं सौंफ को और मेथी को हल्का सा रोस्ट कर ली हूँ और इसे मोटा मोटा पीस ली हूँ। 1 टीस्पून एक डाल रही हूँ, सरसों पाउडर 1 चम्मच, इसमें मैं रोस्ट किया हुआ मिर्चा और धनिया को हल्का हल्का सा पीस ली हूँ डाल रही हूँ तीखा होने के लिए, करीब 1.5 चम्मच। इसे हाई फ्लेम पर पकाऊंगी मैं। थोड़ा हल्दी पाउडर कलर आने के लिए, उसके बाद नमक स्वाद अनुसार। गैस को सिम करके मैं थोड़े देर के लिए ढक देती हूँ। करीब करीब अचार तैयार हो गया है। अब लास्ट में इसमें मैं 1 चम्मच खटाई पाउडर डालती हूँ, अमचूर पाउडर। अब विनेगर भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, यह अचार ज्यादा दिन आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि आलू का है, बॉईल किया हुआ है, इसीलिए आप तुरंत बनाइए और झटपट खाइए। लेकिन अगर इसे फ्रिज में आप रखेगा तो कम से कम 1 हफ्ता तक तो जरूर चलेगा ही। अचारी आलू देखिए बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप भी इस तरह का अचार बनाइएगा, फिर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, मैं नए नए रेसिपी लेके आपके साथ शेयर करती रहूँगी।